जय श्री राम दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ हरिपुर के पुल के पास में। आप देख रहे हैं यहाँ पर यमुना नदी के किनारे में एक यहाँ पर धार्मिक स्थल है जो कि अभी निर्माणधीन है। यहाँ पर भगवान शिव भोलेनाथ जी की यहाँ पर ये देखिए शिवलिंग है और इसके निकट में यहाँ पर एक सांप है और उनको प्रिय यहाँ पर नंदी जी की भी आकृति है यहाँ पर पत्थर की शिला एक। और इसके साथ में आप देख रहे हैं दो छोटे शिवलिंग और ये पताका है जो कि जय माता दी पताका है जी। यहाँ पर आप देखिए कैसी लहरा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो मंदिर है हम उसके दर्शन करा रहे हैं। हम अपने साथी कैमरामैन को कहना चाहेंगे जरा वो यहाँ पर दर्शाएं। तो आपने देखा ये सामने जो आप देख रहे हैं इस समय ये माता की यमुना माता की मंदिर की दृश्य है जो कि आपको हमने अभी दिखाए हैं यहाँ पर। मैं इसी के साथ में अपने कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो है हमारे हिंदू धर्म में जो एक तुलसी को जो महत्व दिया है, तुलसी माता का यहाँ पर एक स्थान दिया गया है वो भी यहाँ पर है पूजन के लिए और लोग यहाँ पर इसकी पूजन करते हैं, यहाँ पर दीपक जलाते हैं। और आप चलते हैं आइए इसी छोर पर एक दूसरे छोर पर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ हैं। ये शांत वादियों में यहाँ पर देखिए आप महादेव किस प्रकार से यहाँ पर विराजमान है पर्वतों की श्रृंखलाओं के बीच में जो कि बनाई गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अद्भुत नज़ारा। भगवान शिव के गले में जो है उन्होंने सांप धारण किया हुआ है और साथ में उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आप देख अगर आपको यहाँ आना है तो आप विकास नगर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और जब आते हैं तो यहाँ पर हरिपुर में एक पुल पड़ता है। उस पुल के बराबर से ही इसका एक रास्ता है जो कि पैदल मार्ग है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं और इसके साथ में इधर हम अपने कैमरामैन को कहना चाहेंगे जरा वो नदी के व्यू को भी दिखाएं थोड़ा। तो आप देख रहे हैं सामने यमुना की धारा जो कि हम आपको बाद में दिखाएंगे, उसका दृश्य भी हम आपको इसमें ज़रूर दिखाएंगे क्योंकि इसके किनारे में जो शांत वादियों में यमुना की जो धारा अविरल और बहुत ही शुद्ध धारा बह रही है वो भी यहाँ पर दर्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस स्थल पर ज़रूर आए और आने वाले समय में जैसे कि ये निर्माणधीन है तो बहुत ही अच्छा तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय जनता द्वारा भी इसको समय समय पर यहाँ पर अपना समय दिया जाता है, मूल्य दिया जाता है और जो भी योगदान होता है यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। धन्यवाद।